स्टूडेंट्स, ये हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करनी है आज। तो ये सर्कल के टेंजेंट्स के बारे में, उसके आप कह सकते हैं जो हम मतलब आर्क वगैरह ड्रा करते हैं सर्कल से, उसके बारे में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इन एन आर्क ए बी सी द लेंथ ऑफ कार्ड। यहाँ पे लेंथ दी गई कार्ड की एक आर्क ए बी सी में, लेंथ ऑफ कार्ड बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ड्रा अ सेकेंड, सेकेंड आपको पता है कि एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट से पास करती है। ड्रा अ सेकेंड ड्रा करना हमने सेकेंड, जिसकी लेंथ जो होगा पी बी सी और वो इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर के, और पी जो है पॉइंट है आउटसाइड द आर्क। P is a point outside the arc. So we have to draw a tangent through point P to the arc. So हमने draw करना tangent भी। तो ये हम एक बार मतलब अंडरस्टैंड कर लें मतलब क्वेश्चन को, कि इसमें करना क्या है। एक आर्क है ए बी सी, इसमें एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ है बी सी 2 सेंटीमीटर। कहते ड्रा अ सेकेंड पी बी सी, सेकेंड ड्रा करना है 8 सेंटीमीटर का, और उसके बाद कहता है कि वेयर पी इज़ अ पॉइंट आउटसाइड एन आर्क, मतलब पी को पॉइंट होगा आर्क के आउटसाइड पे। ड्रा अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट पी टू द आर्क, और उसके बाद एक टेंजेंट ड्रा करना है पॉइंट पी से आर के ऊपर। अरे हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे ए बी सी, इसकी लेंथ नहीं बताएगी, इसे अपनी मर्जी से ड्रा कर सकते हैं। ए बी सी एक आर्क, तो ये आर का आगे मेरे पास ए बी सी। उसके बाद पॉइंट बी जो हमने लगाना है वो 2 सेंटीमीटर पे होगा, इसलिए पहले हम पॉइंट बी ड्रा करते हैं। पहले लिखते हैं इधर ए, ये सी और बी यहाँ पे कहीं होगा, इसलिए हम 2 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पर रख के ये 2 सेंटीमीटर का एक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो आगे से कह रहा है कि ड्रा अ सेकेंड पी बी सी, और पॉइंट पी जो आउटसाइड है इस कार्ड के, तो ये इसका मतलब है ये जो पॉइंट था ये बी वाला, ये हमने 8 सेंटीमीटर तक ले जाना आगे पॉइंट पी तक। ये पहले सेकंड ड्रा होगा इधर से, ये 2 सेंटीमीटर का सेकंड हो गया और ये पॉइंट बी पर था, उसके बाद इसको प्रोड्यूस करना है 8 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक चले गए, ये हो गया पॉइंट पी। इस तरह मतलब ऊपर मतलब उसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि लेंथ ऑफ कार्ड बी सी इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आगे बी सी की लेंथ 2 सेंटीमीटर हमने आर्क लगाई थी। ड्रा अ सेकेंड पी बी सी, इस पी बी सी और ये पूरा सेकेंड जो है वो
8 सेंटीमीटर का इधर से, और ये जो है बीच में 2 सेंटीमीटर है। वेयर पॉइंट पी आउटसाइड एन आर्क, उसको कहते हैं ड्रा अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट पी टू द आर्क। इस पर एक टेंजेंट ड्रा करना है पॉइंट पी से आर्क के ऊपर, और वो किस पॉइंट पे मीट करेगा वो पॉइंट हमने फाइंड करना है। उसके लिए मैंने ये जो ये लाइन सेगमेंट है सी पी, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए इसको आपको हाफ से ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे रखेंगे इसको और हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। अगर आर्क मैच नहीं करनी तो दोबारा इस पॉइंट से लगा लेंगे। इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए इसको ज्वाइन करेंगे दोनों आर्क्स को जो इनके इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये M आ गया इसका मिड पॉइंट। उसको इस मिड पॉइंट से हमें सेमी सर्कल ड्रा करना पड़ेगा, और फिर वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उधर से हमने ड्रा करना। तो M इसका मिड पॉइंट है, और इससे यहाँ तक ओपन करें एक बार टैक्स तक, यहाँ से आपने लेकर ना इसको मतलब दूसरे वर्टेक्स से, ये आ गया सेमी सर्कल। उसके बाद यहाँ से हमने एक मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल से मिलेगा उसे हमने एक आर्क लगानी है। यहाँ से हमें यहाँ पर हमने बनाना है मतलब परपेंडिकुलर। उसके लिए यहाँ पे जो कि आर्स पहले भी लगी हैं इस वजह से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो प्रोट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इससे भी ड्रा कर सकते हैं। वैसे यहाँ से 90 का बनाना है हमने इस पॉइंट पे, तो इसलिए आर लगाएंगे पहले। जो कि 120 ऐसे, और ये उसको अपने प्रोड्यूस करना है आगे इस सेमी सर्कल तक। यहाँ तक लेंगे हम, और ये जिस पॉइंट पे मिला है ये पॉइंट डी है। यहाँ तक हमने अब जो है कंपास खोल के तो उससे आर्क लगानी है, और वो आर्क इस जो आर्क ए बी सी थी इसको इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे, वहाँ पे टेंजेंट ड्रा होगा पी से। यहाँ से आपने इसको डी तक ओपन कर लेना है, पॉइंट डी तक। ये पॉइंट डी तक ओपन किया है इसको, और यहाँ से आप आर्क लगाएंगे। और ये आर्क मतलब जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी वो पॉइंट असल में होगा टेंजेंट का पॉइंट पी से। पॉइंट पी को इस पॉइंट के साथ कंबाइन करेंगे, तो ये हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा इस पॉइंट से। तो ये हम ड्रा कर लिए जो सेकंड उसने बोला था 2 सेंटीमीटर का,
उसके बाद मतलब टेंजेंट पॉइंट पी से इस आर्क के ऊपर शेप हमने बनाई है, इसका हमने कर रखें स्टेप लिखने हैं। सबसे पहले मैंने हमने ये आर्क ड्रा की थी एबीसी, तो लिखेंगे ड्रा एन आर्क एबीसी। उसका कार्ड क्या था जो कि 2 सेंटीमीटर का है। ये कार्ड बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। थर्स्ट टाइम में हमने फिर इसको आगे से प्रोड्यूस किया था पॉइंट पी तक। सी बी टूवर्ड्स बी हमने 8 सेंटीमीटर तक इसको प्रोड्यूस किया और ये सेकेंड बन गया 8 सेंटीमीटर, जो कि इस 2 सेंटीमीटर से इसको क्रॉस कर रहा है बी और सी को। ये पॉइंट पी से फिर आगे हमने ड्रा करना था टेंजेंट, उसके स्टेप लिखेंगे हम नेक्स्ट। उसके लिए पहले हमने यहाँ से जो है ना इसका मिड पॉइंट फाइंड किया था, फाइंड एम द मिड पॉइंट ऑफ सी पी। तो यहाँ पे हमको सेंटर रख के हमने यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा कर लिया है इसके लिए। तो टेक एम एज ए सेंटर एंड ड्रा अ सेमी सर्कल। उसको हमने यहाँ से डी बी ड्रा किया है जो कि 90 डिग्री के अंगल में रहा था पॉइंट बी के साथ। अब ये लिखेंगे ड्रा डी बी जो के था परपेंडिकुलर सी पी पर और पॉइंट डी पर मीट किया है एट पॉइंट डी। और फिर हमने पी को क्वेल से सेंटर लेके यहाँ से आर लगाई थी जिसने पॉइंट डी पर कट किया था सेमी सर्कल को। Take P as center and draw an arc of radius PD. This arc intersects
आर गिवन आर कैट टी, ये पॉइंट इसको टी रख लेंगे, और यहाँ से फिर हमने टी और पी को मैच करना है, तो हमारे पास टेंजेंट आ जाना है। जॉइन पी टू टी एंड प्रोड्यूस इट, उसके बाद इंसान कह देते हैं कि ये पी टी जो है ये हमारा तो टेंजेंट है इस आर्क के ऊपर, तो पी टी इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। नहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, इसमें कह रहा है खसक का सर्कल विद डायमीटर 8 सेंटीमीटर, डायमीटर जो हमने बनाना है वो 8 सेंटीमीटर होगा, इंडिकेट द पॉइंट सी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्रॉम इट्स सर्कमफ्रेंस, मतलब 5 सेंटीमीटर का कोई पॉइंट है जो अवे है सर्कमफ्रेंस से, मतलब जो सब 5 सेंटीमीटर अवे पॉइंट है सर्कमफेरेंस से, पॉइंट सी है, डायमीटर 8 है, और यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करना है पॉइंट सी से, फ्रॉम पॉइंट सी, और इसमें जो मतलब विदाउट यूजिंग इज सेंटर, मतलब हमने जो मतलब सर्कल का सेंटर यूज़ नहीं करना, मतलब ये कि हमने इस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया उस तरह ड्रा करेंगे टेंजेंट, क्योंकि पहले हम ये करते थे कि सर्कल से हम रेडियल सेगमेंट बनाते थे और वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन हम लगाते थे जो कि असल में होती थी टेंजेंट, लेकिन यहाँ पर हमने सब दूसरे रूल के मुताबिक करना है, ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी विदाउट चूजिंग इट्स सेंटर। तो जिस तरह हमने पहले आर्क बनाए थे उस तरह हम एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो 8 सेंटीमीटर का हाफ जो है वो 4 सेंटीमीटर, हम 4 सेंटीमीटर देंगे, तो एक सर्कल ड्रा करनी है हमने, इसके बाद इस पे को पॉइंट हम ले सकते हैं ए, तो पॉइंट ए ले लिया,
यहाँ समझे लाइन लगानी है सिर्फ 5 सेंटीमीटर अवे हो जो कि सर्कमफ्रेंस से। इससे हम लगा सकते हैं जो कि ये 4 पे आ रहा है, 4 से आगे इसको 9 तक प्रोड्यूस कर देंगे जो कि 5 सेंटीमीटर अवे लाइन मिल जाएगी हमें। ये सीक्रेट हो गया 4 सेंटीमीटर का, और आगे से इसी से 4 से आगे इसको 9 तक ले जाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर अवे पॉइंट सी हो गया, और इसकी लेंथ यहाँ से 5 सेंटीमीटर। इसको मेयर कर सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का, तो लेंथ आपके पास आ रही है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। यहाँ से हमने वही प्रोसेस करना जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले इसको हाफ करके सेमी सर्कल बनाना है इसका, उसके लिए हाफ साइड ओपन करेंगे इस ये हम कंपास, और इधर से सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। इसका बाइसेक्टर आ गया इस पॉइंट एम के ऊपर, इसका यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना था पॉइंट एम से ए तक। और इधर से सी तक ये इक्वल फासला, तो आ गया सेमी सर्कल। इसके बाद हमने जो पॉइंट थर्ड डी जिस पर मीट कर रहे हैं इसे हमने एक पर पॉइंट ड्रॉप करना है यहाँ पे पॉइंट बी पे, इधर इसके साथ उसकी आर्क लगानी पड़ेगी हमें, पहले 60 की फिर 120, उसको बाइसेक्ट करना है। 60 आ गया, आ गई ये 120, ये 60 पे रखा, फिर यहाँ से 120 पे रख के इसको बाइसेक्ट किया। पॉइंट डी मिल गया हमें। अब सी से लेकर डी तक हमने कंपास को ओपन करना है, और यहाँ से इसका सर्कल जो है वो एक आर्क लगाएंगे इस रेडियस की, ये पॉइंट सी पे रखा और डी तक ओपन करना है इसका, ये जहाँ डी तक ओपन हो गया जैसे एक आर्क लगाएंगे हम जो कि इस पे पॉइंट पे आगे मिली। तो इस पॉइंट का हम ई रह सकते हैं। अब इस पॉइंट से आपने मैच करना है सी को, तो ये सी ई जो है हमारा ये रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। इसके स्टेप्स लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो सबसे पहले हमने ड्रा किए थे ये एक सर्कल ड्रा किया था जिसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर,
ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एट ओ, पॉइंट सेंटर ओ पर। सुना हमने फिर एक कॉर्ड लिया था ए बी सी जैसे, और इसको प्रोड्यूस किया 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सर्कमफेरेंस। टेक अ सेकंड ए बी सी से दैट पॉइंट सी is 5 centimeter away from circumference. Of circle. उसको हमने M find किया था midpoint. इसका सेकेंड का उसका इसे हमने सेमी सर्कल ड्रा किया था, तो इसके बारे में लिखेंगे। पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, फिर सेमी सर्कल ड्रा किया। फाइंड एम द मिड पॉइंट ऑफ एसी को ड्रा किया सेमी सर्कल, ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस एम एम विद सेंटर एट एम। इसके बाद जो किया था नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से जो इसका पॉइंट बी था, यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जो कि पॉइंट डी पर जाकर मिला था, और डी से फिर सी तक हमने एक आर्क लगाई थी जो कि इस सर्कल को पॉइंट डी पर जाकर मीट की थी। तो उसके बारे में लिखेंगे हम। ड्रा अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी विच मीट द सेमी सर्कल डी बस। सी से लेके डी तक जो रेडियस था इसकी एक आर्क हमने ड्रा की थी हमने। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस सी डी विच कट द सर्कल एट पॉइंट ई। फिर हमने सी को ई के साथ ज्वाइन किया था, और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड टेंजेंट था। ज्वाइन सी टू ई सो सी ई एफ इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट।
कोर पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, चूँकि ये आगे जा रहा है एफ तक, इसको पॉइंट एफ लेते हैं, सी ई एफ कमल पॉइंट बन गया, ये मना जो होगा तो रिक्वायर्ड टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका रेडियस कंस्ट्रक्ट 2 सेंटीमीटर, और ड्रा करने है 2 टेंजेंट्स। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 degrees with each other. पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे 2 सेंटीमीटर रेडियस का। इक्वल आ गया 2 सेंटीमीटर के ऑलमोस्ट। ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया, इसका सेंटर ओ और इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर ड्रा कर लेंगे, कोई स्ट्रेट ड्रा कर सकते हैं हम, इस पर हमने 60 का एंगल बनाना है क्योंकि एंगल डायमीटर से ही हमने पॉइंट पे ड्रा करने हैं। तो यहाँ पे हम सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है अब होता है कि 90 डिग्री का होता है, यहाँ से हम चूँकि सेंटर से बनाने हैं इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे 60 का एंगल। तो हमें 60 का एंगल बनाने के लिए कार पे आएंगे इधर से, और फर्स्ट आर्क की हमारा 60 का एंगल होते तो एक आर्क ई आ गई 60। ऐसे बेस देखिए, ये जो एंगल है ये एंगल हो गया 60 का, और ये एंगल जो इसके बीच में ये इसका सप्लीमेंट है जो कि असल में है 120 का एंगल। यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो आएगा 90 के एंगल पे और ये भी आएगा 90 के एंगल पे, तो 90 प्लस 90 प्लस 120, और जो सा आगे इस पर जो उससे टेंजेंट ड्रा होगा उनके एंगल को हम एक्स कह लें अगर, तो ये ओवरऑल हमने बनानी है एक क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। इसको हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 180 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 360, करेंगे 300 प्लस x इक्वल टू 360 x इक्वल टू 360 माइनस 300, तो x इक्वल टू 60। इसका मतलब है कि ये जो हम आगे से क्वाड्रिलेटर प्रोड्यूस करने लगे चार कोनों वाली शेप, एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रा करके करेंगे और एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रा होगा ऐसे,
मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनाना पड़ेगा और यहाँ पर, तो ये दो 90 के एंगल हो जाएंगे, ये एक एंगल 120 का और जो बाकी एंगल बचेगा वो फिर 60 का होगा। इस वजह से जो उन दो टेंजेंट्स के दरमियान में एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा। तो इसे यहाँ पे हम दो राइट एंगल ड्रा करते हैं और उससे आगे से फिर जो है टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो यहाँ से हमने राइट एंगल ड्रा करना है, तो एक आर्क लगाएंगे, फिर जिस पॉइंट पे ये मीट की है उधर से 60 और ये आगे जो है एंगल बनेगा 120 का, फिर 120 और 60 को हमने बाई साइड करना है, यहाँ पे हम ड्रा करेंगे टेंजेंट एक। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं जो कि मीट कर इसी तरीके से। तो इस पॉइंट पे हमने एंगल बनाना है 90 का और इसको ड्रा करना है टेंजेंट के साथ। तो ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गया जिनका एंगल जो था 60 का। अब देखते हैं कि एंगल 90, ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल जो है ये 60 का, तो ये दो टेंजेंट के दरमियान आ गया 60 का एंगल। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट ओ से सर्कल ड्रा किया था, तो लिखेंगे टेक ओ एज सेंटर, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमने ड्रा किया था एंगल, ये डायमीटर ड्रा किया, इसका नाम ए रख लें, इसका बी रख लें, इसका सी रख लें नाम, फिर पॉइंट पी पे जाके मीट किया। ड्रा एनी डायमीटर ए ओ बी, ये आगे डायमीटर ए ओ बी। उसके बाद
ड्रा नहीं किया था, यहाँ से ए ओ सी जो मतलब एंगल था वो 60 डिग्री का। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसमें फिर हमने यहाँ से इसके रेंज ड्रा किए थे जो कि ढक गए थे पॉइंट बी के ऊपर। तो ड्रा ये मतलब बी से पी तक ड्रा किया था बी पी एंड सी पी एट बी एंड सी, पॉइंट बी और सी पे दो रेंज ड्रा किए और वो इंटरसेक्ट किए थे पॉइंट पी पे जाके। तो ये हमारे मतलब रिक्वायर्ड टेंजन आ गए, बी पी एंड सी पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि ड्रा द टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जब एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा टू perpendicular tangents to a circle of radius 3 cm. पहले हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें डायमीटर लेना पड़ेगा और डायमीटर पे एक 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे स्क्वायर शेप एक। यहाँ से आ गई 60 डिग्री की, उसके बाद जो आर के वो है 120 डिग्री की। दोनों आर्स को बाईसेक्ट करना है। इसके बाद तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा करना है। सेंटर ओ, ये उन्हें डायमीटर आ गया था ए ओ बी, ये पॉइंट सी आ गया। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना है हमने, जैसे अगर ये जो असल में ये एंगल 90 का बन रहा है तो जो इनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का ही होगा।
यहाँ पे ड्रा करेंगे पहले। स्मार्ट मीट के इधर से 60 का एंगल, फिर 60 पे रख के लगाएंगे तो ये 120 का, इनको बाईसेक्ट करना है। तो ये एक टेंजेंट ड्रा कर लिया हमने, अब सेकंड टेंजेंट ड्रा करेंगे इस लाइन के पॉइंट बी के ऊपर। जहाँ से 90 डिग्री के एंगल बनाना है हमने, उसके बाद इसका टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो ये हमारे दोनों टेंजेंट ड्रा हो गए, जो कि इसको कह रहे पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी पे जाके मीट किया, बी से लेके आगे। इसको नाम रखते हैं सी पी रख लें, और इसका नाम क्यू एन पी क्यू, ये दो रेज हो गई। पॉइंट डी पे डिसाइड कर रहे हैं, पॉइंट डी के जो एंगल है वो हमारा होगा राइट एंगल। अब इसके स्टेप्स लिखते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट ओ का से एक सर्कल ड्रा किया है जो कि 3 सेंटीमीटर का है। तो टेक ओ ए सेंटर, एंड ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर लिया था ए ओ बी, टेक एनी डायमीटर ए ओ बी। उस यहाँ से एक हमने एंगल बनाया था बी ओ सी 90 डिग्री का। इसमें से ये पॉइंट सी मिला, और सी से और पॉइंट बी से हमने दो टेंजेंट ड्रा कर लिए। तो ड्रा टेंजेंट्स एट पॉइंट बी एंड सी। तो वो कौन से टेंजेंट थे, एक बी क्यू था और एक सी पी था।
मेजर बी क्यू एंड सी बी, तो इससे हमारा ये रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगे। दस बी क्यू एंड सी पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है टू इक्वल सर्कल 8 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो सर्कल हैं जो कि 8 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से। ड्रा टू ट्रैक्ट कॉमन टेंजेंट्स फॉर दिस पेयर ऑफ सर्कल, उसके हमें दो टेंजेंट ड्रा करने हैं जो कि जो कॉमन हो सकते हैं सेम मतलब। तो इसके पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे जो कि 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे उसके लिए पहले, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का फ़र्क है। एक सर्कल का सेंटर ओ और दूसरे सर्कल का सेंटर ओ डैश। तो ये लेंथ था कि 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने दो सर्कल ड्रा करने हैं, उनकी लेंथ आपकी अपनी मर्जी की होगी, लेकिन आपने इस सर्कल ड्रा ना मतलब ज़्यादा छोटे होना ना ही ज़्यादा बड़े, मतलब ना इतने बड़े हों कि सर्कल जो है वो ये एक दूसरे की लेंथ से बाहर निकल जाए, या इतने ज़्यादा छोटे भी होने चाहिए कि इस लाइन पर जो डायग्राम ही ना सही तरीके से आए नज़र। तो थोड़े से आप इसको मैं 2 सेंटीमीटर का अगर खोल लें तो ज़्यादा बेहतर है, 3 का भी कर सकते हैं आप, 3 का कर लेते हैं, लेकिन जो एक सर्कल की लेंथ रखनी है वही दूसरे सर्कल की होगी। 3 सेंटीमीटर का ओपन करते हैं इसको, तो ये पहला सर्कल ड्रा हो गया। इसी तरह यहाँ पे रख के दूसरा सर्कल बनाएंगे इसके साथ, ये भी 3 सेंटीमीटर का। जैसे हम नए इनके कॉमन टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 चाहिए इसके परपेंडिकुलर, जहाँ पे वो मीट करेंगे वही असल में इसके कॉमन टेंजेंट होंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का जन्म आते हैं आर्क लगाई, पहली आर्क 60 की, फिर आगे से 120, जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो होगा 90 डिग्री का।
और इस पॉइंट से आपने ड्रा करना है इसको लास्ट तक प्रोड्यूस करना है। ये डायमीटर है सर्कल का असल में। इसी तरह यहाँ भी ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो पर पॉइंट भी ड्रा कर लिए। अब जहाँ पर ये पॉइंट मीट करें उनको हमने मैच करना है आपस में। ये पॉइंट और यहाँ पर भी सेम पॉइंट जो मीट कर रहे हैं हम ड्रा कर रहे हैं। तो इसका नाम रख लें ए बी। ये एक टेंजेंट हो गया और एक ये सी और डी। एक ये टेंजेंट आ गया। तो स्टूडेंट्स आ गए इसके हमने ये डायग्राम ड्रा कर ली। अब इसके कि हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। और कंस्ट्रक्शन स्टेप में जाने के लिए जो हमने मतलब सारा प्रोसेस किया उसको वर्ड्स में बयान करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है ड्रा इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यहाँ से हमने रख किया था। और उसके बाद ड्रा टू सर्कल्स ऑफ इक्वल साइज ऑन ओ एंड ओ डैश। कैन आई ड्रा ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ एंड ओ डैश एंड प्रोड्यूस टुवर्ड ओ। ओ ए प्रोड्यूस्ड मीट कर रहे हैं उस सर्कल पे पॉइंट सी पे। तो हमने यहाँ से एक ड्रा किया था परपेंडिकुलर। ओ डैश बी परपेंडिकुलर टू ओ ओ डैश एंड प्रोड्यूस इट टुवर्ड्स ओ डैश की तरफ उसको ले गया। उसके बाद जो हमने मतलब यहाँ से बी ओ डैश प्रोड्यूस किया था वो पॉइंट डी पर आगे मीट किया। बी ओ डैश प्रोड्यूस मीट द सर्कल एट डी। फिर ज्वाइन करना है इसको ए को बी के साथ और सी को डी के साथ।
जॉइन ए टू बी एंड सी टू टी एंड प्रोड्यूस इट। क्योंकि उसके बाद हमने इसको दोनों साइडों पे एक्सटेंड करा, इसलिए इसको प्रोड्यूस किया दोनों साइडों पे इंक्रीज कर दिया। जैसे तो इस तरह हमारे जो यहाँ पे दो आगे टेंजेंट्स, एक ये ए से लेकर बी तक, दूसरा सी से लेकर डी तक, उसके बारे में लिखेंगे। सो ए बी एंड सी डी आर और रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ड्रा टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रेडियस दिया गया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर 6 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स विद रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। If the distance between their centers is 6 centimeters, देन ज़्यादा ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स टेंजेंट्स वो होते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स। अगर फॉर एग्जाम्पल सर्कल इस तरह, तो ये दो टेंजेंट इनको बोलेंगे डायरेक्ट टेंजेंट्स। लेकिन अगर सर्कल ऐसे है तो एक टेंजेंट यहाँ से एक यहाँ से, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। 3 सेंटीमीटर, देन ड्रा द ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। तो उसके लिए पहले हम जो सा डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, इसकी एक लाइन लेंगे 6 सेंटीमीटर की। तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। इसमें से हमने 2.4 सेंटीमीटर के दो सर्कल ड्रा करने हैं। एक सर्कल पॉइंट ओ पे करेंगे, दूसरा पॉइंट जो है वो ओ डैश है। ये एक सर्कल आ गया और इसके साथ ही दूसरा सर्कल। ये पॉइंट ओ और ये ओ डैश। इसके बाद हमने इसका एक मिड पॉइंट फाइंड करना है और ओ डैश का, और उसका फिर आगे से मिड पॉइंट लेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको आप सीधा ओपन करेंगे। तो इसके बाद सेंटर ड्रा करेंगे जो इसका मिड पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे कट करेंगे इसको। तो ये मिड पॉइंट आ गया एम।
और एम से आप किसी भी सर्कल का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, जैसे जैसे हम एन के और एश के साथ कर लेते हैं, सो कुछ हाफ ज़्यादा ओपन करेंगे। यहाँ पर आके पॉइंट एन हमारे का हमारे पास ये हुआ, एन से लेके एम तक अब अपने आर्क खोलनी है। तो यहाँ से हम एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसने ये पॉइंट आ गया पी और पी डा, जिसने इस पॉइंट पे सर्कल को यहाँ से किया टच। इसको एम से प्रोड्यूस एम से मिलाना है और आगे प्रोड्यूस करना है। पॉइंट एम से मैच करेंगे और इसको बाद में नेक्स्ट आगे तक ले जाएंगे, दूसरे सर्कल तक जहाँ पे जाके ये टच होगा। ठीक है, एक टेंजेंट आ गया जो कि दोनों सर्कल्स को टच कर रहा है। इसी तरह ये पॉइंट पी जो पी डैश था ये पी, जैसे हमने इसको एम तक लेके जाना है और आगे से प्रोड्यूस करना है। और ये जिस पॉइंट में मिले इसी तरह ये पॉइंट हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q डैश, तो इसलिए ये P P डैश Q और Q डैश हमारे जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। तो अब लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। मेरा ओ एन ओ डैश 6 सेंटीमीटर कैन ड्रा टू सर्कल ऑफ रेडियस टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर ऑन ओ एंड ओ डैश करना फाइंड एम जो कि था मिड पॉइंट था ओवर ओ डैश का। तो फाइंड एम द मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड ओ डैश हमने फिर एन फाइंड किया है जो कि इसका मिड पॉइंट था एम और ओ डैश का। तो फिर हमने एक सर्कल ड्रा किया जो एन सेंटर का था, जो कि दूसरे सर्कल को मीट किया था पॉइंट पी और पी डैश के ऊपर। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस ओ एन ओ डैश विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पी एंड पी डैश।
फिर ज्वाइन करना है पी को एम के साथ और प्रोड्यूस करना है क्यू तक, फिर पी डैश को एम के साथ और प्रोड्यूस करना है क्यू डैश तक। Then P dash with M, and produced to circle at point Q dash. इस तरह फिर हमने P को किया था, M से जान करके प्रोड्यूस किया था सर्कल तक पॉइंट Q तक। Join P with M and produce towards M. और ये P और P dash, P P dash से जो हमने ड्रा किया था Q dash क्यों की तरफ, ये हमारे रिक्वायर्ड ट्रांसफर्स का कंटिजेंट होंगे। ट्रांसफर्स से हमारे जो आपस में जो क्रॉस करते हैं, ट्रेड का कंटिजेंट जो आपस में क्रॉस नहीं करते, जैसे ये इस तरह के जो टेंजेंट होते हैं ट्रेड का कंटिजेंट होते हैं, तो इसलिए आएगा पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश आर रिक्वायर्ड ट्रांसफर्स कंटिजेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।